मौसम का मिजाज बदला है। बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट भी हो गई है। एक बार फिर ठंड और ठिठुरन बढ़ गई है। बारिश ने लोगों की परेशानियां भी बढ़ा दी हैं। ऑफिस जाने वाले लोगों को आज अच्छा खासा परेशानियों से दो चार होना पड़ा। ये तीन तस्वीरें लखनऊ की, देश के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मेरठ, जहां पर ओले गिरे हैं सड़कों पर। देखिए किस तरीके से ओलों की बरसात होती हुई। कानपुर में भी आज अच्छी खासी झमाझम बारिश हुई और इसके बाद से ठंड और बढ़ गई है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि अब बारिश नहीं हो रही है, मकर संक्रांति आ चुकी है, सूरज के दर्शन होने लगे हैं, ठंड का प्रकोप घटेगा, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग ने जिस तरीके से भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच होती हुई और अभी लगता है कि अगले कुछ और दिन ठंड और बढ़ेगी, ठिठुरन और बढ़ेगी। बरसात का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, झमाझम कई जगह बारिश हो रही है, कई जगह ओलों की बरसात है। ऊपर पहाड़ों में लगातार अभी भी ऑरेंज अलर्ट जारी है और बर्फबारी का दौर भी जारी है, यानी कि कुल मिलाकर ठंड अभी पड़ने को है। पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की ठंड और 24 घंटे तक बारिश होगी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राजधानी लखनऊ में हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया, लोग छतरी लेकर निकल रहे हैं। वहीं अगर बात करें स्कूलों की, तो कल DM ने आज कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं अगर बात किया जाए और जिलों की, तो कल 17 तारीख तक मौसम विभाग ने कहना है कि भारी बरसात होगी और वहाँ पर कड़ाके की ठंड होगी, लेकिन तो लगातार 24 घंटे से बारिश हो रही है और लोगों को घर से निकलना मुश्किल। R90 लखनऊ। बहुत ठंडी कैसे 24 घंटा हो गए, कोई काम धाम सब ठप रहा। देखिए कितना सन्नाटा मोलालगंज में, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हम लोग को घर से निकलना पड़ रहा है। फोर व्हीलर को जिसके यहाँ साधन नहीं है सर, वो क्या करेगा, बहुत ठंड हो रही, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है।